21 जून योग दिवस। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भाग् भवेत्। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं। हर श्वास को तुम सार्थक करो अमर शहीदों की तरह, क्योंकि पल भर का विश्वास नहीं। आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हर्षित गगन, आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हर्षित गगन। हे परम आराध्य अमर शहीद, आपको सत सत नमन। हे परम आराध्य अमर शहीद, आपको सत सत नमन। विचार लो कि मृत्यु है न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु है न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यूं कर मरो कि याद तो करे सभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद तो करे सभी। ओम हमारा देव है, वेद हमारा धर्म, आर्य हमारा नाम है और सत्य हमारा कर्म। मन हमारा रथ है, शरीर हमारा सारथी, कर्म हमारे अच्छे हो दुनिया करेगी आरती। योग दिवस पर कर्म की प्रधानता को बताते हुए मैं सर्वप्रथम कोरोना के कहर में जो शिक्षक, रक्षक, चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, रचनाकार, चित्रकार सभी को मैं सत सत नमन करती हूँ, जो तन मन धन से समर्पित होकर के इस कोरोना कहर में जांबाजू की तरह से कार्य कर रहे हैं, एक योद्धा की तरह से कार्य कर रहे हैं। जितनी प्रशंसा करूँ मेरे मैं उनकी प्रशंसा करूँ मेरे वाणी में वो दम नहीं। मैं यही कहूँगी वो इस धरती पर खुदा के रूप में है, उनसे कम नहीं, खुदा के रूप में है, उनसे कम नहीं। योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं योग के ऊपर अपना विचार प्रस्तुत करूँगी। योग जो है वो संस्कृत के युज धातु से योग की उत्पत्ति हुई है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, समा जाना, समाहित हो जाना, जैसे मन और मस्तिष्क का समन्वय करना। मन और मस्तिष्क में जब एकाग्रता आएगी तो पूर्णता आएगी, और पूर्णता आएगी तो समग्रता आएगी। और योग शिक्षा जो अभी है चल रही है, इसके कारण ही अभी कोरोना के कहर के अंदर जितने भी लोग तनावग्रस्त होकर के, जिन्हें कोरोना हुआ, कोरोना पॉजिटिव रहे, वो जब स्वस्थ होकर के बाहर आए हैं तो वो एक ही शब्द कहते हैं कि हम योग के कारण निरोग रहे और स्वस्थ होकर के बाहर आए हैं। तो अगर इस योग को कंटिन्यू निरंतर करते रहे तो जान है तो जहान है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो मस्त रहेंगे और सारे कार्य नियोजित निष्ठा, साहस और धैर्य के रूप में करेंगे। तो मैं आप सभी से कहूंगी कि आप योग करें और निरोग रहें। और योग की उत्पत्ति जो इस युज धातु से हुई है, उसमें मन और मस्तिष्क के समन्वय पर ही ध्यान दिया गया है, क्योंकि जब एकाग्रता आई तो पूर्णता आई, और पूर्णता आई तो समग्रता आई। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताए, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य सभी श्रेष्ठ कार्यों को कर्म प्रदान करते हुए और इंसान करे तो नियोजित निष्ठा सार से वह चरम उत्कर्ष की चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। क्योंकि गीता के अंदर भी श्री कृष्ण ने कर्म की ही प्रधानता बताई है, और कर्म कब तभी कर सकते हैं जब हम योग करेंगे, और योग करेंगे तो संयोग अपने आप बन जाएंगे। योग करेंगे योग्य बनेंगे, और योग्यता पुरस्कार आप और हम सभी प्राप्त करेंगे। इसलिए एक योगी ऐसा माध्यम है। आज विकराल समय चल रहा है वर्तमान में, इसमें हर इंसान मानसिक रूप से इतना तनावग्रस्त है, एक बहुत बड़े ट्रैफिक को लेकर के दिल और दिमाग में चल रहा है। इसके चलते कई जगह हर तरह से एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं शारीरिक रूप से, कहीं मानसिक रूप से। अभी सुशांत का ही एक केस अपन ने देखा था टीवी के अंदर, सारी दुनिया जानती है। तो आदमी अपने आप को एकांत में इतना डिप्रेस में ले जाता है कि वो अपना निर्णय स्वयं, जबकि योग हमें सिखाता है कि स्वयं का स्वयं पर नियंत्रण और सच्चे सुख का आमंत्रण, इस समय किस परिस्थिति में कैसे अपने आप को हम नियंत्रित कर सके, ये योग के ही माध्यम से हम सीख सकते हैं। और योग ही हमारे अंदर एक एकाग्रता लेकर के आता है। जैसे सूर्य नमस्कार है, नॉर्मली आप देखिए सूर्य जब उदय होता है, सूर्य उदय होने से 1 घंटे पूर्व जब लालिमा लिए हुए निकलता है, उस समय हम पूर्व दिशा में अपना चेहरा करके और सूर्य नमस्कार करें। इस एक आसन में 12 आसन है, जैसे ओम मित्राय नमः, रविय नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, आदित्याय नमः, मरीचाय नमः, सावित्रे नमः, पुष्ण नमः और भास्कराय नमः। तो ये सूर्य नमस्कार जो है एक आसन के अंदर कई आसन और शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी रूप से सर्वांगीण विकास होता है इस योग करने से हमें। तो हम योग करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को ये एक विशेष रूप से ध्यान आपका केंद्रित करना चाहूँगी कि अभी वास्तव में जो भारत की जो स्थितियाँ देख रहा है, उसमें 3 P और 3 G के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे 3 P के अंतर्गत पानी, पर्यावरण और पॉलिथीन, 3 G गाय, गरीब और गर्ल्स एजुकेशन। शरीर के अंदर 3 रोग है, वात, पित्त और कफ। और योग के द्वारा, योग के 3 याम है, ध्यान, आसन और प्राणायाम। जैसे कोरोना के 3 यार हैं, खांसी, छींक
और बुखार। वैसे ही इसके नियंत्रण के लिए, इसके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए योग के 3 याम है, ध्यान, आसन और प्राणायाम। इसके द्वारा बालक स्वस्थ रहेगा, और बालक स्वस्थ रहेगा तो राष्ट्र स्वस्थ रहेगा, और राष्ट्र स्वस्थ रहेगा तो अपने आप जीवन खुशहाल रहेगा। क्योंकि इफ़ आई एम हेल्थी, नेशनल इज हेल्थी, नेशनल इज हेल्थी, आई एम हेल्थी। मैं एक ही कही जिससे परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए बालक स्वस्थ रहे, इसके लिए ये मैं कहूँगी, पेरेंट्स अगर करते हैं योग क्रिया तो बालक उसको देख के जरूर करता है, क्योंकि बच्चा वही फॉलो करता है जो उसके पेरेंट्स करते हैं, उसके गुरुजन करते हैं। तो बालक तो एक मिसाइल है जिसका रिमोट कंट्रोल शिक्षक और अभिभावक के पास है। तो समय रहते हैं अपने को सचेत होकर के जाओ, क्योंकि विद्यालय एक बस है, विद्यार्थी यात्री और शिक्षक ड्राइवर है। तो हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखते हुए बच्चों को योग क्रिया को करना सिखाना है। जैसे हम प्रार्थना में भी बच्चों को आते ही प्रार्थना के अंदर हाथ जोड़ करके बच्चे बैठते हैं, तो एकाग्रचित होकर के और हाथ जोड़ करके पद्मासन लगाते हुए बैठते हैं तो ध्यान केंद्रित हो जाता है, और जब ध्यान केंद्रित हो जाता है तो ज्ञान केंद्रित हो जाता है, और बच्चा निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहता है। और जो बच्चा प्रार्थना के अंदर ध्यान केंद्रित कर नहीं करता है, उसको 365 दिन की प्रार्थना भी याद नहीं होती। इसलिए एकाग्रता आएगी तो पूर्णता आएगी, पूर्णता आएगी तो समग्रता आएगी, और हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा। इसलिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी, योग करें और निरोग रहें। जैसे अनुलोम विलोम की क्रिया को करना, बाई नासिका से श्वास लेना, दाई नासिका से छोड़ना, प्राणायाम करना। प्राणायाम प्राणों का व्यायाम है, प्राणों के व्यायाम, प्राणों का याम। जैसे प्राण का अर्थ है ऊर्जा, एक नई ऊर्जा का संचार हमारे अंदर है। जैसे नदी में तैरती हुई लाश को जब हम देखते हैं, जब पता चलता है कि वजन शरीर में नहीं, सांसों में, ये जीवन बहुत अनमोल है, और इस अनमोल रत्न को ये बहुत मुश्किल से मानव देह मिला हुआ है। तो हम योग करें और निरोग रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहे। स्वयं का, स्वयं पर नियंत्रण ही सच्चे सुख का आमंत्रण है। इतना कह के मैं मेरे वाणी को विश्राम देना चाहूँगी। जय हिंद, जय भारत। सही है।